कानूनी महाज पर विफाक की हुकूमत को एक और शिकस्त का सामना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम इमरान खान के मौन खसूसी अली ऐवान को लोकल गवर्नमेंट कमीशन के चेयरमैन के अहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अली ऐवान की बतौर चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनाती के खिलाफ मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की दरखास्त की समाअत हुई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने विफाकी काबीना का 24 दिसंबर का चेयरमैन की तैनाती का फैसला कलअदम करार देते हुए कहा कि अली ऐवान की बतौर चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनाती खिलाफ बेजाबता हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट कमीशन की तैनाती के रूल्स 6 माह में बनाने का हुक्म भी जारी किया है। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर ने वकील काशिफ मलिक के जरिए अली ऐवान की बतौर चेयरमैन अहलियत चैलेंज करते हुए मौकिफ इख्तियार किया था कि अली ऐवान की तैनाती खिलाफे ज़ाब्ता हुई है। वाज़ेह रहे कि विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनाया गया था, जिसका काम इस्लामाबाद की लोकल गवर्नमेंट से मुतालिक सिफारिशात तैयार करना था। कमीशन ने हाल ही में वजीर आजम इमरान खान को रिपोर्ट भी पेश की थी, जिसे मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर को इश्तिहारात, गैर कानूनी टावर्स और टैक्स चोरी से मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दिया गया था।